ये वीडियो किसी भी प्रकार की सच्चाई घटना पर आधारित नहीं है और इस वीडियो को देखने के बाद इस पर अमल ना करें, ये वीडियो आपके लिए हानिकारक हो सकती है। दोस्तों कैसे हो आप? आज हमारा आज का ब्लॉग चालू हो गया हमारे चैनल पे। तो हमारा चैनल है ब्रांड। तो आइए आज हम एक्सपेरिमेंट करते हैं किसी नई चीज़ का। बहुत टाइम हो गया हमें वीडियो नहीं बनाए हैं, तो हमने अब से ब्लॉग बनाना चालू करा है। तो हमने लाए हैं एक बाल्टी। ये बाल्टी जो है हम बंगाल से लाए हैं, ये वजनी भारी बाल्टी है और आज इसका हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। आप सोचेंगे क्या करूँगे एक्सपेरिमेंट में, तो आज वो वीडियो आपको शुरू से एंड तक देखना। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को पूरा देखें। और वीडियो समझ में आए तो हमें और बताएं, हम और अच्छे से ब्लॉग बनाएंगे। तो हमारे जो ब्लॉग में है हमारी बाल्टी के अंदर जो कलर देख रहे हो आप, ये हमने एक्सपेरिमेंट करा था। ये बाल्टी ऐसी नहीं आती, कलर ही रंगीन नहीं आती है अंदर से। तो आप देख सकते हैं पूरी तरह से बाल्टी हमारी खाली है। अब इसके अंदर हम कुछ नया एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब वो एक्सपेरिमेंट क्या है, एक पोटेशियम क्लोराइड नाइट्रेट लिया है इसका एक्सपेरिमेंट। तो ये क्या होता है ये आप नहीं जानते हो तो जान लो, ये रंगीन गैस है। इसके पानी और उसके अंदर है तो इसके अंदर धुआं, रंगीन धुआं निकाला जाता है। तो आज हम इस बाल्टी को रंगीन करेंगे। बाल्टी तो कैसे करेंगे, तो आप जान लो, हमने सिर्फ ये लिया है पोटेशियम के नाइट्रेट जिसका सूत्र होता है KNO3। इसको हम लेंगे इस बाल्टी के अंदर। एक पोटेशियम के नाइट्रेट लिया है और इस बाल्टी का एक्सपेरिमेंट करेंगे KNO3 की सहायता से। ये पोटेशियम के नाइट्रेट है जो हमें इस बाल्टी के अंदर की अद्भुत रंगतता को बताएगा। ये हम क्या है, ये डालेंगे, देख सकते हैं आप इसके अंदर, अभी देख सकते हैं, जूम करके दिखाना। ये पूरा हमारा पास पोटेशियम है। ये हमारा जो कैमरा मैन है वो बहुत अच्छा साथ दे रहे हैं हमारे, इसके कारण हमारा हम इसके अंदर लेंगे। ये जो प्लेन है हमारा, इसके अंदर आपको दिखेगा सही कि कैसा होता है। वाइट कलर का चून होता है ये जो हमने डाल दिया है चूर्ण, और इस चूर्ण का आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर हम कुछ पानी मिलाएंगे, बंद कर दें। तो ये जो इसके अंदर डालेंगे जो महत्वपूर्ण कार्य करेगा, तो इसके अंदर हमने पानी, ये नॉर्मल पानी है और इसे बरतते हैं। तो हमने साथ में रेंज की इंक लाए हैं, इंक बोतल जो देख सकते हैं आप। इस इंक को हम इसके अंदर थोड़ा डालेंगे, इससे रंग उत्परिवर्तन में परिवर्तन लाएगा। तो ये हमने इंक ले ली है, थोड़ी इसको डाल देंगे इसके अंदर। इस देख सकते हो ये डली इंक, इंक दी। तो हमने पूरी इंक ख़त्म कर दी है इसके अंदर, और आप देख सकते हो कि इंक के साथ हमने ये डाल दिया है। थोड़ा और इसके अंदर पानी डालने की ज़रूरत दिख रही है। जो हमारा हाथ में इंक चेटी है उसको भी हम दुरुपयोग करके सहयोग करेंगे। तो थोड़ा पोटेशियम नाइट्रेट और डालेंगे हम जो हमारे इनमें सहयोग करेगा। तो हमने जो शुरू में डाला था वो भी डालेंगे, उसके बाद और डालेंगे कुछ इस तरह का। थोड़ा पोटेशियम नाइट्रेट और ले लिया है हमने। आप सोच रहे होंगे शक्कर हो सकती है, शक्कर नहीं है भाई, पोटेशियम नाइट्रेट होता है। जिसने नहीं देखा है वो ऑनलाइन जाके देख सकते हैं कैसा होता है। ये हमने वो डाल दिया है इसके अंदर। अब हम कुछ नहीं डालेंगे, अब सिर्फ हम रेजर के सहारे इसे घिसेंगे। हमने एक रेजर ले ली है, देख सकते हो आप, हमने इसको बनाया है हमारे हाथों से। इस रेजर के वाइट, ये खुद वाइट हो जाएगी इस रेजर भी, देख सकते हैं हम इसके अंदर क्या है। तो इसको हमने तो देखा कि रेजर का भी रंग निकल, रेजर भी गल चुकी है पूरी तरह से। इसको हम साफ कर देंगे, देख सकते हैं रेजर में कुछ सफेदापन आ चुका है। ये रेजर भी गल चुकी है क्योंकि बहुत डेंजर धातु है। ये धातु का उपयोग करते समय सावधानी बहुत बरतना चाहिए। तो हमने पूरी बाल्टी देख सकते हैं हमने कर दी है। अब इसको रखेंगे कुछ 20 मिनट तक ऐसे ही, जो रंग परिवर्तन में सहायता देते हैं 20 मिनट के बाद। हेलो दोस्तों, तो हमारा जो 20 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसको धोएंगे, इस बाल्टी को धोएंगे। बाल्टी को दिखाया जाए कैमरामैन, तो कैमरामैन हमारा बहुत सहयोग कर रहा है। तो हम इस बाल्टी को अच्छी तरह से धोएंगे। आप देख सकते हैं कैसी हो चुकी है। अब इसको धो दिया हमने, और थोड़ा पानी ले लेंगे इस टंकी के जरिए सलू करेंगे। तो अभी और हम पानी टंकी से लेंगे, कुछ पानी हमारे पास जो टंकी भरेली है इसमें से कुछ पानी लेंगे, जिससे पूरी बाल्टी धो देंगे।
तो दोस्तों हमने पानी से साफ़ कर लिए, कुछ कपड़े से साफ़ कर लिए, बाल्टी को हमने पूरी तरह से, तब भाई हमारा कैमरामैन जो बाल्टी को दिखाएंगे हमारे अंदर से कैसी चमक रही है, जो कुछ कुछ गीलापन रह गया हमने तो साफ़ करने के बाद भी, तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो। और देखा हमने एक्सपेरिमेंट करते समय हमारी जो बाल्टी है वो फट गई है, देखो। तो आप एक्सपेरिमेंट करते समय कुछ इस तरह की सावधानी रखने से ऐसा भी होता है, तो सावधानी भी बरतते। और दोस्तों ये हमारा चूतिया व्लॉग था, जो आप चूतिया बन चुके हो। तो इस व्लॉग में हमारे पास दो बाल्टी थी, वह बनाने का काम आता है। तो कैसे लगी हमारी वीडियो, तो वीडियो को लाइक करें। आप देख सकते हैं एक्सपेरिमेंट हमने करा था KNO3 का, जो हमारे पास पड़ेला है ऑलरेडी, ये हमारा ऑलरेडी ऐसा हो चुका है एक्सपेरिमेंट। हमने इसके अंदर KNO3 डाला था, सोडा डाला था, शक्कर डाली थी पीस के, तो ये हमारा जो ऐसा हो चुका है डामर की तरह हो चुका है। तो ऐसा परिवर्तन होता है, इसलिए KNO3 का इस्तेमाल ना करें।